तो भाई इस वक्त जो है मैं ऑस्ट्रेलिया के शहर साल्सबुर्ग में खड़ा हूँ। तो मेरा जो वकार अहमद वर्ल्ड जो चैनल है उसका जो एक और कंट्री का टारगेट था मेरा अचीव हो गया। आज मैं जर्मनी से जो है वो इधर ऑस्ट्रिया आया हूँ। तो भाई ये यूरोपियन यूनियन में जो कंट्रीज आती है उनके फ्लैग लगे हैं। ये यूरोप यूनियन का आ गया, उसके बाद ऑस्ट्रिया आ गया, दूसरे नंबर पे जर्मनी आ गया, फिर चौथा भी एक झंडा लगा हुआ है। तो भाई यहाँ से जो है वो ऑस्ट्रिया स्टार्ट हो गया। ये ऑस्ट्रिया और जर्मनी का बॉर्डर है। यूरोप में जितने भी बॉर्डर होते हैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाने के लिए, तो ये सारे बॉर्डर जो है इसी तरीके से होते हैं। आपको पता भी नहीं चलता जो बॉर्डर है वो क्रॉस हो जाता है, लेकिन आपको ये यूरोपियन यूनियन का जो लोगो है वो जब बॉर्डर क्रॉस करेंगे वो ज़रूर मिलेगा। तो भाई ये व्यू चेक करें, ये जर्मनी का शहर है ट्राउनस्टाइन, और ये जो सारा एरिया आपको नज़र आ रहा है ये ऑस्ट्रिया का बॉर्डर है। यहाँ के पहाड़ों पे जो है काफ़ी ज़्यादा स्नोफॉल हुई हुई है, लेकिन जो आसपास का एरिया वहाँ से जो है स्नोफॉल पिघल गई है। बहुत ही खूबसूरत व्यू है भाई, हर तरफ जो है ऊँचे नीचे घर और पहाड़ ही पहाड़। अच्छा, और काफ़ी दिनों के बाद जो है वो इधर धूप भी सही तेज़ निकली हुई है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो भाई मैं मौजूद हूँ इस वक्त जर्मनी के शहर ट्राउनस्टाइन में। ये शहर ऑस्ट्रिया के बॉर्डर के करीब लगता है और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, क्योंकि ये जो सारा एरिया है जैसे हमारे पाकिस्तान में नारायण कागान के एरियाज़ हैं, तो ये भी जो एरिया है उसी तरह का एरिया है। इसे बवेरिया का एरिया भी कह रहे थे। और जो जर्मनी है उसमें सबसे ज़्यादा जो सर्दी होती है वो इस एरिया में हो रही होती है। अच्छा, अभी तो हम आए हुए हैं यहाँ पे, कल रात हम यहाँ पे पहुँचे थे और अभी जो है हम उठे हैं। और ये वाला जो मॉर्निंग व्यू है मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे हम कोई सवाद नारायण कागान के जो होटल्स होते हैं ना उधर मैं रह रहा हूँ। तो अभी नाश्ता वगैरह करना है, नाश्ता करके जाना है बाहर, तो जल्दी से जो है पहले नाश्ता कर लेते हैं, जो इधर की खूबसूरती और जो इधर के घूमने वाले पॉइंट है उसे एक्सप्लोर करते हैं। तो भाई वो जो सामने आपको पहाड़ नजर आ रहे हैं उधर तो अभी भी स्नो हुई हुई है, स्नो नजर आ रही है, लेकिन जो आसपास के एरियाज है वहाँ से जो है स्नोफॉल पिघल गई है, धूप भी निकली हुई, टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल हो गया। तो भाई जल्दी से जो है पहले नाश्ता कर लेते हैं और फिर चलते हैं बाहर। तो भाई ये आ गया हमारा नाश्ता, ये आ गया हमारे केक और ये आ गए हमारे पराठे। तो जो जल्दी से है नाश्ता कर लेते हैं। One hour later. तो भाई ये वाला जो रोड बना हुआ है ये ऐसे नीचे स्लोप जा रहा है, तो ये पहाड़ी एरिया है सारा। पूछा मैंने कुछ? तो भाई मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं पाकिस्तान में ही घूम रहा हूँ, क्योंकि मैंने पाकिस्तान टूर किया हुआ है। स्पेशली जो हमारे नारायण कागान हुंजा कश्मीर के जो एरियाज हैं वो भी सारे इसी तरह के बने हुए, ऊंचे नीचे और पहाड़ी इलाकों पे जो है वो होटल्स बने हुए, और बहुत ही खूबसूरत व्यू आ रहा था पाकिस्तान में। तो ये सारी चीज़ें मुझे दोबारा देखने को भी मिल गई है जर्मनी के अंदर, और जर्मनी भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत बना हुआ है। स्पेशली इनके जो ये एरियाज हैं ये भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत बने हुए। तो भाई एक रोड उस तरफ से आ रहा है और ये सारी जो ढलान है इस तरफ बनी हुई है, मतलब ये जो है वो हाइट है काफ़ी ज़्यादा इधर। मैं मौजूद हूँ इस वक्त जर्मनी के शहर ट्राउनस्टाइन में, और ये जो शहर है ये ऑस्ट्रिया के बॉर्डर के बिल्कुल करीब है। तो ऑस्ट्रिया जो है यहाँ से बहुत ज़्यादा करीब है, तो हमने सोचा क्यों ना ऑस्ट्रिया भी घूम कर आएं। ऑस्ट्रिया के अंदर एक शहर है साल्सबुर्ग, तो अभी जा रहे हैं हम वहाँ पे साल्सबुर्ग। तो चलते हैं साल्सबुर्ग।
तो भाई यहाँ से जो है वो ऑस्ट्रिया स्टार्ट हो गया। ये ऑस्ट्रिया और जर्मनी का बॉर्डर है। यूरोप में जितने भी बॉर्डर होते हैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाने के लिए, तो ये सारे बॉर्डर जो है इसी तरीके से होते हैं। आपको पता भी नहीं चलता जो बॉर्डर है वो क्रॉस हो जाता है, लेकिन आपको ये यूरोपियन यूनियन का जो लोगो है वो जब बॉर्डर क्रॉस करेंगे वो ज़रूर मिलेगा। तो यहाँ से जो हमारा ऑस्ट्रिया जो है वो स्टार्ट हो चुका है। One hour later. A few moments later. तो भाई फाइनली हम पहुंच गए हैं ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया के शहर साल्ज़बर्ग में। पार्किंग में हमने अपनी गाड़ी लगा दी है इस मॉल में, और अब जा रहे हैं हम बाहर। बाहर जाने के लिए जो हमने ग्राउंड फ्लोर पे जाना है, हमें अभी फर्स्ट फ्लोर के ऊपर। तो भाई ये जैसे जर्मनी में मुलर था शॉपिंग सेंटर, उसी तरह का इधर भी बना हुआ है, पूरे यूरोप में होते ही। तो भाई ये आ गई हमारी एग्जिट, यहाँ से जो हमने बाहर जाना है। आ जा भाई। तो भाई अभी जो हमने रोड क्रॉस करना है, ये इधर का मेन सिटी सेंटर है, मेन सिटी एरिया है, और वो जो सामने आपको नज़र आ रही है बिल्डिंग है, यहाँ का मेन रेलवे स्टेशन है, जिसे जर्मनी में और यूरोप में हाउपबानहोफ कह रहे होते हैं, हबनहॉफ। तो यहाँ पे सारी ट्रेन्स भी मिल जाती हैं आपको, और जो बसेज हैं वो भी सामने खड़ी हैं, तो ट्रैवलिंग के लिए आपको इशू नहीं होता है। तो भाई इस वक्त जो है मैं ऑस्ट्रिया के शहर साल्ज़बर्ग में खड़ा हुआ हूँ। तो मेरा जो वकार अहमद वर्ल्ड जो चैनल है उसका जो एक और कंट्री का टारगेट था मेरा अचीव हो गया। आज मैं जर्मनी से जो है वो इधर ऑस्ट्रिया आया हूँ। चेक करें भाई, बहुत ही खूबसूरत जो है ये ऑस्ट्रिया का शहर है साल्ज़बर्ग बना हुआ है। बिल्डिंग चेक करें भाई, ये इनका मेन रेलवे स्टेशन आ गया हाउपबानहोफ। इसमें जितने भी शॉपिंग सेंटर हैं आपके, डीएम हो गया, न्यूयॉर्कर हो गया, मुलर हो गया, वो इसमें बने हुए हैं। दूसरे मुल्कों की तरह ऑस्ट्रिया में भी जो है बसेस जो हैं वो इलेक्ट्रिक हैं, और ये इस इलेक्ट्रिक वायर के ज़रिए पूरे शहर में चल रही होती हैं, जैसे चेक रिपब्लिक में भी था, और जर्मनी में भी ऐसा ही है, और इधर ऑस्ट्रिया में भी ऐसा ही है। जो बसेस हैं वो इन वायर्स के ऊपर चल रही होती हैं, और कुछ चार्जेबल होती हैं, जैसे वो बस जा रही है वो बिना वायर वाली है। ये भाई इधर की इलेक्ट्रिक बस है साल्ज़बर्ग की, ये मैनुअल आ गई हैं जो बैटरी के ऊपर चल रही होती हैं, ये वो बसेज हैं। तो भाई अभी जो है मैं साल्ज़बर्ग के शहर में निकल गया हूँ, और इधर जो है करीब में बता रहे हैं कि एक बहुत खूबसूरत पहाड़ है, तो उधर से जो व्यू है बहुत ज़्यादा अच्छा आ रहा होता है। तो अभी जो हम जा रहे हैं उस पार्क पर, तो उधर से जो है वो व्यू बहुत अच्छा आ रहा होगा। तो भाई यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा सख्ती है आपका रोड के ऊपर, एक थैली फेंकने के ऊपर भी बहुत अच्छा सा चालान हो जाता है, तो इधर जो चालान है वो बहुत ज़्यादा हो रहे होते हैं। भाई हम जो है वो पैदल निकल के गाड़ी में नहीं जा रहे, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी थोड़ी टाइम के बाद जो है बहुत ज़्यादा सिग्नल लगे हुए, थोड़ी थोड़ी देर के बाद इन्होंने जो बहुत सारा कैमरे रखे हुए, स्पीड लिमिट भी कंट्रोल करनी होती है, और जो सिग्नल के ऊपर है वो बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा होता है। तो हमने सोचा क्यों ना पैदल ही चले, तो शहर भी घूम लेंगे और जो है हमारा टाइम भी बच जाएगा। तो भाई ये यूरोपियन यूनियन में जो कंट्रीज आती है उनके फ्लैग लगे हुए हैं, ये यूरोप यूनियन का आ गया, उसके बाद ऑस्ट्रिया आ गया, दूसरे नंबर पे जर्मनी आ गया, फिर चौथा भी एक झंडा लगा हुआ है, तो ये ऑस्ट्रिया भी जो है वो यूरोप में आता है। तो भाई एक बार की आ गया, हमने जाना इससे थोड़ा सा और आगे। वो भाई ये दरख्त चेक करें, बेहतरीन किस्म का ये दरख्त हुआ है, इनकी हाइट चेक करें और इनका साइज चेक करें, बहुत ही पुराने ये दरख्त लग रहे हैं।
ऑलमोस्ट 200-300 ईयर्स पुराने ये दरख्त होंगे, हो सकता ज़्यादा भी हो। तो भाई सामने जो एक दरख्त गिरा हुआ है, पता नहीं कटा हुआ है, ये ऐसे लग रहा है ये गिर के टूट गया है। चेक कर रहे हैं भाई, बहुत ही बड़ा दरख्त है जो कि गिर के टूटा हुआ है लेकिन सूखा नहीं है, उसके ऊपर अभी भी जो है वो शाखें लगी हुई हैं। तो भाई ये जो सामने हॉर्स नज़र आ रहा है, ये ऐसा लग रहा है जैसे इनका कोई हिस्टोरिकल हॉर्स है, इसके बारे में कोई हिस्ट्री होगी, लेकिन आगे पीछे कुछ लिखा हुआ नहीं है। और भाई चेक करें, लोगों ने पानी के अंदर जो है कॉइन्स फेंके हुए, अपनी मन्नतें मुरादें इसमें करके जो कॉइन्स हैं वो पानी में फेंक दिए, अपनी जो विशेज हैं उसके लिए। तो भाई बहुत ही खूबसूरत पार्क बनाया हुआ इधर इन्होंने, ये कोई इनकी हिस्टोरिकल बिल्डिंग है जो कि रेनोवेट हो रही है, उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है अभी। तो भाई आई थिंक ये पार्क इन्होंने बंद किया हुआ, नहीं तो यहाँ से जो रास्ता भी होता था पहले, अक्सर वीडियोस में देखा लोग यहाँ से जा रहे होते थे, लेकिन आज ऐसा लग रहा है ये पार्क जो है वो बंद हुआ है। तो भाई ये जो सारा पार्क है इन्होंने बंद किया हुआ है, शायद मेंटेनेंस चल रही है या कोई काम हो रहा है या कुछ नया बना रहे हैं इसमें। ये सारा जो पार्क है ये खुला हुआ था लेकिन ये आज पार्क बंद किया हुआ है इन्होंने। बहुत ही खूबसूरत पार्क है ये वाला, और जो टूरिस्ट हैं वो भी बहुत ज़्यादा आए हैं, स्पेशली जो चाइनीज हैं वो बहुत ज़्यादा इधर आए हैं विजिटर्स। तो भाई ये वाला व्यू चेक करें भाई, बहुत ही खूबसूरत व्यू आ रहा है। साइडों पे जो है इसके बिल्डिंग्स है, बीच में पार्क है, और लेफ्ट साइड पे जो है वो दरख्तों के, और लेफ्ट साइड पे जो हमारे दरख्त भी चल रहे हैं। तो भाई अभी जो हमने थोड़ा सा और आगे जाना है, उधर और भी अच्छे पॉइंट्स है और अच्छा व्यू उस तरफ से। तो भाई ये वाला व्यू चेक करें, ये दरिया गुजर रहा है कोई, और ये चेक करें लोगों ने जो है अपनी विशेज, अपनी मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, लव शफ के जो इधर ताले लगाए हुए, नाम लिख लिख के, हर तरह का जो ताला है वो आपको यहाँ पे इजीली मिल जाएगा, लेकिन सारे जो है वो लॉक है, चाबी नहीं होगी इसकी, ठीक है ना। ओ भाई चेक करें, तो भाई इस तरफ एक शिप भी खड़ी हुई है जो आपको पूरे दरिया का जो है वो टूर करवा रही होती है। ये दरिया जो है पूरे यूरोप में कनेक्ट होते हैं एक कंट्री से दूसरे कंट्री में, और ये सिटी टू सिटी भी ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं। चेक करें भाई, और सर्दी की वजह से इन्होंने चारों तरफ से पैक भी किया हुआ है। तो इस व्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड, और जो नेक्स्ट व्लॉग है वो मैं यहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ। और जाने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।